हम लोग पेनिट्रेशन का टॉपिक हमने शुरू करा था और मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो आखिरी मेन चैप्टर है, जो बड़े चैप्टर्स हैं फिजिक्स के हमारे कोर्स में उनमें ये आखिरी चैप्टर है और ये चैप्टर हर साल पेपर में आता है। न्यूक्लियर फिजिक्स कम्स एवरी ईयर। हाँ, ये अभी हम शुरू कर रहे हैं। हेडिंग डालिए, हेडिंग डली हुई है आपके पास, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब है कितना दूर तक जाएगा। जैसे आप एक बॉल को फेंकते हैं तो बॉल कितनी दूर तक जाती है उसको फिजिक्स में कहते हैं पेनिट्रेशन। जब आप एक बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो कितना दूर तक जाता है। अल्फा पे चार्ज है +2, एरो डालकर एयर लिखा हुआ है कि एयर में अल्फा पार्टिकल बहुत थोड़ा सा पेनिट्रेट करते हैं, 5 to 7 सेंटीमीटर। लिखिएगा, पहले हेडिंग डाली हुई है पेनिट्रेशन, इसमें लिखिएगा कि अल्फा पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल्स हैव अ लिमिटेड पेनिट्रेशन। अल्फा पार्टिकल्स हैव अ लिमिटेड पेनिट्रेशन सर, कैन यू रिपीट फ्रॉम द बिगनिंग? हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। अल्फा पार्टिकल्स हैव अ लिमिटेड पेनिट्रेशन। उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। आज का पहला कॉन्सेप्ट बनाओ कि अल्फा पार्टिकल्स की बहुत लिमिटेड पेनिट्रेशन होती है, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाते। ये पार्टिकल्स हैवी होते हैं और ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाते। अल्फा पार्टिकल्स की लिमिटेड पेनिट्रेशन होती है और ये ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकते। अब ये जो कॉन्सेप्ट है अल्फा पार्टिकल वाला, देखो, अब ये जो कॉन्सेप्ट है पेनिट्रेशन वाला, इसका हम दूसरा कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट फॉर टुडे, कि ऐसा होता क्यों है। ये जो अब जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि पेनिट्रेशन का फर्क क्यों होता है। अल्फा पार्टिकल्स है, दिस मीन्स दे कैन नॉट बी ट्रैप। नहीं, इसका मतलब ये है कि
कि ये ज्यादा दूर तक नहीं जाते। अब ये अल्फा पार्टिकल है तो ये थोड़ा दूर जाएगा और गिर जाएगा, जैसे तुम एक बॉल को हवा में फेंको तो बॉल थोड़ी दूर जाती है और फिर जाकर गिर जाती है, ये चीज कहलाती है पेनिट्रेशन। अल्फा पार्टिकल हो या बीटा पार्टिकल्स हो, इनकी पेनिट्रेशन में मसला क्या होता है, असल में ये पार्टिकल्स जब हवा से गुजरते हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हैं, जब ये एयर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हैं तो ये एयर मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देते हैं, और आयोनाइज करने की वजह से इनकी जो एनर्जी है ये खत्म हो जाती है। द पेनिट्रेशन इफ ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा डिपेंड्स ऑन देयर आयोनाइजिंग पावर। ये हमारा आज का अगला कॉन्सेप्ट है, यानी पेनिट्रेशन का फर्क है क्यों, कॉन्सेप्ट बनाओ। जो पार्टिकल जितना ज्यादा आयोनाइज करेगा उसकी एनर्जी उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, जितनी जल्दी एनर्जी खत्म होगी वो पार्टिकल उतनी जल्दी रुक जाएगा। तो आप लिखिएगा कि द पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा रेडिएशन डिपेंड्स ऑन देयर आयोनाइजिंग पावर। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, डिपेंड ऑन देयर आयोनाइजिंग पावर। ठीक है, द पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा, जितनी ज्यादा पेनिट्रेट करेगा कोई पार्टिकल उतना कम पेनिट्रेट, जितना स्ट्रॉन्गर आयोनाइजिंग होगा उतनी पेनिट्रेशन कम हो जाएगी। तो जो आपने लिखा था उसके बाद लाइन चेंज करिएगा और लाइन चेंज करके नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा कि ग्रेटर द आयोनाइजिंग पावर, लाइन चेंज करके लिखिएगा ग्रेटर द आयोनाइजिंग पावर, greater the ionizing power, smaller is, sir can you repeat, greater the ionizing power, smaller is the penetrating power, smaller is पेनिट्रेटिंग पावर। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, चलो नंबर 5 इंटरसेप्शन। नंबर 5 डालो इंटरसेप्शन। देखो इंटरसेप्ट करने का क्या मतलब होता है, जो लोग आप में से गेम्स खेलते हैं ना
तो जो गोलकीपर होता है उस तरह के लोग होते हैं गोलकीपर से आगे, उनको कहते हैं इंटरसेप्टर्स। इंटरसेप्टर्स क्या होते हैं? जो किसी को मूव करता हुआ रोकें। इंटरसेप्ट करने का मतलब क्या है? अल्फा बीटा को रोकेगा कौन? ये तो काफी खतरनाक पार्टिकल्स हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट न्यूक्लियर रेडिएशंस के वो बहुत डेंजरस होती हैं, बहुत नुकसान होता है। तो अब इनको रोकने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कहते हैं इंटरसेप्टर्स। अब जो इंटरसेप्टर्स का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अल्फा पार्टिकल्स को रोकने के लिए, नहीं वो पॉइंट्स तो मैंने कॉपी नहीं करवाए मनाल, अगर आप वो देखना चाह रही हैं तो वो तो मैंने ओरल लिखवा दिए आपको ना, वो असल में मैंने उसमें से जो वो सिलेबस के पॉइंट्स थे ये वाले, तो मैंने ये आपको ना ओरली लिखवा दिए हैं, तो आपको वो दोबारा से कॉपी करने की जरूरत नहीं है। चलो अब इंटरसेप्शन का कॉन्सेप्ट बनाओ। ये ना इंटरसेप्शन, इसमें लिखो कि अल्फा पार्टिकल्स कैन बी इंटरसेप्टेड। There's another pouch in here. Papa is taking class and then after that, then we can play with it, okay? Papa will open it. देखो कि अल्फा पार्टिकल्स कैन बी स्टॉप इजीली अल्फा पार्टिकल्स कैन बी स्टॉप्ड इजीली अल्फा पार्टिकल्स कैन बी स्टॉप्ड इजीली इवन बाय अ थिन शीट ऑफ पेपर। इवन बाय अ थिन शीट ऑफ पेपर अल्फा पार्टिकल्स कैन बी स्टॉप्ड इजीली even by a thin sheet of paper नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा इवन बाय अ थिन शीट। अच्छा अल्फा पार्टिकल को रोकना बहुत आसान है, ये ज्यादा घुस नहीं सकते, पेनिट्रेट नहीं करते, तो अगर तुम कुछ भी रख दो, इवन एक पेपर की शीट रख दो, उससे भी रुक जाते हैं। एक ऐसा मटेरियल है जो कि सबको रोक सकता है, अल्फा बीटा गैमा तीनों को रोक सकता है, और वो मटेरियल है लेड। तभी लिखा होता है लेड लाइन बॉक्सेस। तो आप नीचे लिखिएगा कि लेड इज अ मटेरियल, नेक्स्ट लाइन, लेड इज अ मटीरियल लिखिएगा, लेड इज अ मटीरियल विच कैन स्टॉप Lead is a material which can stop all types of radioactive emissions. Lead is a material which can stop all types of radiations. All types of
रेडियो एक्टिव, ऑल टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव इमिशंस. चलो अब हेडिंग डालो नंबर सिक्स, डिफ्लेक्शन. हेडिंग डालो नंबर सिक्स, डिफ्लेक्शन. इसमें क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल्स चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिक में भी डिफ्लेक्ट होते हैं और मैग्नेटिक में भी. आपको याद होगा ये वाली डायग्राम पिछली क्लास में शायद बनाई थी. तो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक में और ये डिफ्लेक्शन हो रही है मैग्नेटिक में. तो आप लिखिएगा, हेडिंग है डिफ्लेक्शन और उसमें लिखिएगा कि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. हेडिंग डालिएगा डिफ्लेक्शन और उसमें लिखिएगा अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. सो दे आर डिफ्लेक्टेड. सो दे आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. They are deflected, आगे सर. They are deflected in electric and magnetic fields. नंबर सेवन, फ्लोरेसेंस. देखो अल्फा पार्टिकल्स मे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस. फ्लोरेसेंस क्या होती है? देखो जब अल्फा बीटा पार्टिकल किसी कोटेड स्क्रीन को टकराते हैं ना, तो वो एक ग्लो जनरेट करते हैं. मैंने आपको बताया था कभी भी आपको फ्लोरेसेंस समझने में मुश्किल हो तो आप ये सोचिएगा कि जैसे एनर्जी सेवर जल रहा हो, जैसे एनर्जी सेवर जल रहा हो तो उसकी जो लाइट होती है उसको कहते हैं फ्लोरेसेंस. जो एनर्जी सेवर की ग्लो होती है उसको कहते हैं फ्लोरेसेंस. लिखिएगा अल्फा पार्टिकल्स मे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस.
चलो हेडिंग डालिएगा बीटा पार्टिकल्स, दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डालिएगा बीटा पार्टिकल्स, नंबर वन नेचर हेडिंग है बीटा पार्टिकल्स। अब देखिए हमने अल्फा की सारी प्रॉपर्टीज कर ली, अब अल्फा की प्रॉपर्टी करके ना बीटा की उसी ऑर्डर में आएंगी। साइड हेडिंग दीजिएगा नंबर वन नेचर, देखो पहला कॉन्सेप्ट यहां बनाओ, बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स। बीटा पार्टिकल्स की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है कि इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बीटा पार्टिकल्स प्रिसाइसली इलेक्ट्रॉन्स की तरह होते हैं। तो ये लिखिएगा बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, बीटा पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह होती हैं। देखो जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं मैंने फ्लोरेसेंट के बाद हेडिंग डलवाई थी, बीटा पार्टिकल्स नई हेडिंग है, उसके बाद साइड हेडिंग डलवाई नेचर और फिर लिखवाया बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स। बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज देखें, रिलेटिव मास जीरो होता है, इनका मास तकरीबन जीरो होता है, तकरीबन
और रिलेटिव चार्ज होता है माइनस वन, बीटा पार्टिकल इस चैप्टर में ऐसे लिखे जाएंगे ई, ऊपर जीरो नीचे माइनस वन। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। ठीक है, अब आपने क्या कॉन्सेप्ट बनाया कि बीटा पार्टिकल्स का मास जो होता है वो बहुत कम होता है, और बीटा पार्टिकल्स में बीटा पार्टिकल्स का जो इलेक्ट्रॉन का साइज है चूंकि बहुत छोटा होता है तो मास तकरीबन जीरो होता है। अब एक सवाल आता है जो अक्सर आपको पेपर में मिलेगा, जिसमें आपको बीटा पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए होते हैं, टाइम दिया हुआ होता है और आपसे चार्ज भी दिया होता है, और आपसे कहता है कि आप करंट निकालें। ये क्वेश्चन आता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए होते हैं, टाइम दिया होता है और चार्ज दिया होता है एक इलेक्ट्रॉन का, और उसको रखकर वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन का सॉरी इसको कहता है कि आप करंट निकालें। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें।
अब इसमें देखें वर्किंग कैसे करते हैं, जब इस तरह का सवाल आए, फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू का फॉर्मूला है एन इंटू क्यू। इसकी क्या लॉजिक है? अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो 100 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज क्या होगा? 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दें। ये कैलकुलेशन बहुत आती है पेपर में, छोटी सी कैलकुलेशन है कि क्यू की जगह लिख दें एन क्यू। ये कैलकुलेशन शेयर होगी। नहीं जबात, ये असल में एक्चुअली देखो ये रेडियोएक्टिविटी का क्वेश्चन नहीं, जनरल क्वेश्चन है। ये जनरल क्वेश्चन है जैसे बताइए आजकल बहुत आता है, लेकिन ये रेडियोएक्टिविटी का डायरेक्ट बन जरूरी नहीं कि हो, ये जनरल सा क्वेश्चन होता है, कहीं भी आ सकता है। चलो नंबर टू डालो स्पीड, टॉपिक चल रहा है बीटा पार्टिकल्स, अब आप नंबर टू डालो स्पीड। जो स्पीड का कॉन्सेप्ट है जरा वो देखिएगा, बीटा पार्टिकल्स में ये होता है कि कुछ बीटा पार्टिकल्स की स्पीड ज्यादा होती है और कुछ बीटा पार्टिकल्स स्लोअर होते हैं। स्पीड में लिखिएगा कि बीटा पार्टिकल्स ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स, लिखिएगा बीटा पार्टिकल्स ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स बीटा पार्टिकल्स ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स। फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लें, ये वाली डायग्राम कॉपी कर लो। सर कैन यू रिपीट दिस प्लीज। बीटा पार्टिकल्स ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स मतलब कुछ बीटा पार्टिकल्स स्लो चलते हैं और कुछ फास्ट, जैसे रोड पे गाड़ियां चलती हैं ना उस तरह होते हैं।
ठीक है, आपने ये वाला कॉन्सेप्ट कॉपी कर लिया। अब देखो इस पे सवाल कैसे आते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, पर इसमें नंबरों की गेम होती है। 10 की पावर जो है ना, कैलकुलेटर में जो 10 की पावर का फंक्शन होता है वो इस्तेमाल करना होता है इस चैप्टर में, क्योंकि इनके ना नंबर बहुत, या तो बहुत छोटे होते हैं या बहुत बड़े होते हैं। फॉर्मूला तो वही है जो आपको पता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बीटा पार्टिकल पे जो क्वेश्चन आया, वेलोसिटी दी भी है, मास दिया हुआ है। अब इसमें स्पेशियलिटी क्या है कि आपकी कैलकुलेटर की ग्रिप अच्छी हो, और वो जो कैलकुलेटर में पावर का बटन होता है ईएनजी वाला, जिसको आप प्रेस कर सकते हैं, या जो ईएक्सपी का बटन होता है वो। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा और ये कैलकुलेशन करके दीजिएगा। इसका आंसर इसका जो आंसर है वो देखें कि कुछ लोगों ने शायद निकाला हो, बस फॉर्मूला लगाना है। तो अगर आपने फॉर्मूला लगा लिया है तो इसको कंपेयर कर लें, 1.82 10 पावर माइनस 20 जूल। नहीं, 8 नहीं आ रही वर्किंग, बाकी लोग भी शेयर करिएगा, पावर छोटी आएगी। चलो अब हेडिंग डालो आयोनाइजिंग पावर,
बीटा पार्टिकल भी आयोनाइज कर सकता है जब वो किसी एटम के पास से गुजरता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा देता है, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन पावर। ये वाली स्क्रीन देखें, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। So can you show the answer for the previous example? ये वाला देखें, थैंक यू सर। आयोनाइजिंग पावर, देखो ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा दिया, इसको कहते हैं आयोनाइजिंग पावर। तो ये कॉपी करिएगा। ऑर्डर पहले भी लिखवाया था कि सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर होती है अल्फा की, फिर बीटा की और फिर गैमा की। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। चलो अब हेडिंग डालो पेनिट्रेशन। हमने अभी पढ़ा कि पेनिट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजिंग पावर। जिसकी आयोनाइजिंग पावर कम होगी उसकी पेनिट्रेशन ज्यादा होगी, उल्टा होता है। तो गैमा इज मोर पेनिट्रेटिंग देन बीटा, बीटा इज मोर पेनिट्रेटिंग देन अल्फा। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
ठीक है, हमने ये बना लिया, अब हेडिंग डालिएगा इंटरसेप्शन। देखो इंटरसेप्शन का मतलब है आप रोकेंगे कैसे, बीटा पार्टिकल्स में पेनिट्रेशन थोड़ी ज्यादा होती है, बीटा पार्टिकल्स को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम फॉयल, वो नहीं किचन में जो पड़ी होती है, किचन फॉयल जो होती है, वो जो चॉकलेट के रैपर्स के अंदर भी लगी होती है। तो आप हेडिंग डालिएगा इंटरसेप्शन और उसमें लिखिएगा दे कैन बी स्टॉप्ड, दे कैन बी स्टॉप्ड बाय एल्यूमिनियम फॉयल, दे कैन बी स्टॉप्ड बाय एल्यूमिनियम फॉयल हेडिंग डालिएगा डिफ्लेक्शन। बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट होते हैं, इसमें भी डिफ्लेक्ट हुए, इसमें भी डिफ्लेक्ट हुए, तो लिखिएगा कि बीटा पार्टिकल्स आर चार्ज पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स आर चार्ज्ड पार्टिकल्स Sir, can you please repeat? Beta particles are charged particles. So, they deflect in both electric and magnetic fields. So, they deflect in both electric and magnetic fields. चलें हेडिंग डालिएगा फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस क्या होती है, मैंने क्या समझाया कि जैसे एनर्जी सेवर जल रहे होते हैं ना घरों में, तो उनकी एक व्हाइट कलर की लाइट होती है, रोशनी होती है व्हाइट कलर में, इसको कहते हैं फ्लोरेसेंस। तो आप लिखिएगा कि इसमें लिखिएगा दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, उसमें लिखिएगा दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आप जो एनर्जी सेवर से लाइट निकलती हुई देखते हैं उसके पीछे भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसको फिर हम यहां तक रोकेंगे और इसको फिर हम इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
अल्लाह हाफिज़।